अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जब मैंने अपने क्रोम को ओपन किया तो ये एरर आ रहा था। मैंने कहा चले साथ वीडियो बना ली जाए, आप लोग सब शेयर कर ले जाए कि इस एरर को कैसे ख़त्म किया जाता है। इसको ओके कर दें यहाँ से और नीचे आ जाएँ सर्च बार में। सर्च बार में सर्च करें रन लिख लें या फिर आप CMD भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लें इसको। आप यहाँ पर टाइप करें CHKDSK और इंटर प्रेस कर दें। कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे। यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब ऐसे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा विंडोज़ सिस्टम 32 जैसा सेम ऊपर लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपकी कमांड ये ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे हम। क्रॉस करने के बाद सर्च बार में से भी आप रन कमांड को ओपन कर सकते हैं और विंडो आर प्रेस करेंगे तब भी आप रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर PING लिख के और ओके कर देंगे। दोबारा से हम विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको ख़त्म करके यहाँ लिखेंगे TRWE और इंटर प्रेस करेंगे। और दोबारा से हम सर्च बार में आएंगे। सर्च बार में आने के बाद CMD कमांड को दोबारा हम रन करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे SFC/SCANNOW और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा आपका। यहाँ से हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। जब आपके सामने विंडोज़ सिस्टम 32 लिखा हुआ नज़र आए, यहाँ पे आपकी कमांड ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद अपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप टाइम और डेट नोट कर सकते हैं। अब अपने सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं। अब रीस्टार्ट करने के बाद अपने दोबारा से हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ टाइम और डेट नोट कर सकते हैं आप। और दोबारा से हम अपने सर्च बार में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो लिख लें। विंडो लिखने के बाद विंडो सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। विंडो सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और इसके सामने वायरस एंड थर्ड प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ नीचे आ जाएंगे वायरस एंड थर्ड प्रोटेक्शन सेटिंग पे और मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने ऑफ कर देना है। यहाँ पे ऑफ कर दें इसको। करने के बाद यहाँ से आप क्रॉस कर दें। अब अपने क्रोम को ओपन करके देखते हैं क्या एरर ख़त्म हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं कि आपका क्रोम ओपन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। हमें बस अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह नेगेबान।